अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बामबाल श्री। लेडियम का पर्स ढूंढना ही होगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालवीर, इस बार हमें बड़े ध्यान से हर एक चीज का निरीक्षण करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सुराग सामने ही हो लेकिन देखने वाले की नजर चूक जाती है। मेरे ख्याल से हमें अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढना चाहिए। कि नकाबपोश कहाँ चला गया मॉम? मुझे उसे आपसे मिलवाना था मॉम, लेकिन मैं तो उससे मिल चुकी हूँ। अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट जो खेलता रहता है। मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है? हाँ। बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का है। अरे अनन्या, तुमने विवान को कहीं देखा क्या? मैंने उसे साइंस की रिवीजन करने के लिए कहा था पर घर से भाग निकला है बदमाश। अरे मॉम, मैं भागा नहीं हूँ, आप भी तो मुझे भगा रही है। रन विवान रन। किसका पर्स है? अरे करुणा जी, इतना हंग्री क्यों हो रही है आप? हंग्री नहीं, एंग्री मॉम। हाँ हाँ, वही वही। आपका जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, देखना वो खुद ही लौट आएगा। देवकी जी, मुझे पता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा। अब करुणा जी, आपका दूसरा बेटा देबू कहाँ है? देबू, मैंने उसे यही क्वारंटाइन सेंटर ही भेजा था सब्जियां पहुंचाने के लिए। अनन्या, विवान कहीं देखे तो मुझे कॉल कर देना। ओके आंटी। अनन्या, मुझे लगता है कि हमें करुणा जी से नकाबपोश के बारे में बात कर लेनी चाहिए। नकाबपोश के बारे में करुणा आंटी से बात क्यों करेंगे? यो, फेरीज। ओह माय गॉड, मॉम, मैं जूप से जाके हिसाब से वापस आती हूँ, ठीक है? बाय। ये तो बहुत ही अच्छा पर्स है। अगर मैं ऐसे ही पर्स को माँ को गिफ्ट कर दूँ तो माँ तो बहुत ही खुश हो जाएंगी और उनका गुस्सा भी आइस वाटर की तरह ठंडा हो जाएगा। यस। वैसे ये पर्स भी बुरा नहीं है गिफ्ट करने के लिए। हम इसी रास्ते से लौटे थे। लेडियम का पर्स यहीं कहीं गिरा होगा। हाय रे। अरे वेट, नकाबपोश? मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेती हूँ। देखी जी, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? नमस्ते। आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू देवकी जी, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। रुको नकाबपोश। क्या कह रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाकर तुम मेरी आंखों में धूल झोंक सकते हो? बेटी से पीछा छुड़ाया तो माँ पीछे पड़ गई। नकाबपोश, इधर उधर क्या देख रहे हो तुम रे? जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। Is that so? हाँ, अगर बिलीव नहीं होता तो अपने दिल से पूछ लो। You're right, अनन्या। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल में गिटार बजने लगते हैं। पर मुझे तो वायलिन पसंद है। Is that so? तो मुझे भी वायलिन पसंद है। Because what you like.
I like. Because I like you. Surely, तुम चलो मेरे साथ अनन्या के पास. जैसे मुझे वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है ना, वैसे अनन्या के दिमाग में नकाबपोश को लेके कोई कंफ्यूजन चल रहा है. मतलब आपने अभी तक अनन्या को ही नहीं बताया कि मैं ही नकाबपोश हूँ. नहीं, क्यों? अरे वाह, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. आप अनन्या को मत बताइएगा कि मैं ही नकाबपोश हूँ, प्लीज प्लीज मत बताइएगा. अनन्या नकाबपोश को अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है, क्या उसे सच्चाई जानने का हक नहीं है? है, नहीं, है, नहीं. तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी. आपका मतलब टेंशन है? हाँ, वही वही. पर टेंशन तो आप ही दे रही है ना आंटी. प्लीज प्लीज मत बताइए आंटी, अनन्या को इस बारे में मत बताइए प्लीज. मैं अनन्या को इस तरह अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, मैं उसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी. अरे अरे आंटी, आंटी आंटी सुनिए. अरे आंटी, अरे आंटी, ये क्या नया ट्विस्ट आ गया लाइफ में? पहले तिमनासा के मैसेज को लेकर परेशान, और ऊपर से नई बुरी शक्ति भी आ चुकी है. क्या करूं, क्या करूं? माँ, बोलो. नहीं सुनो, ये किसका पर्स लिए घूम रहा है विवान? हाँ, और पढ़ाई छोड़कर क्या करने निकला है तू घर से? बोल विवान, तुझे मुझे परेशान करना अच्छा लगता है क्या? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, साइंस का रिवीजन ही कर रहा था, लेकिन वो मैं बैकयार्ड में चलती चलती कर रहा था. मुझे वहाँ पे ये पर्स मिला, और आप ही ने सिखाया है ना कि अगर किसी की खोई हुई चीज आपको मिले तो तुरंत उसके हुनर को ढूंढ के उसे वापस कर देनी चाहिए. मैं तो बस उसके हुनर को ढूंढने ही निकला था. आई एम सॉरी माँ. सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने तो अच्छा ही काम किया ना, तू तो किसी की हेल्प करने ही निकला है. मुझे तो प्राउड फील हो रहा है तुझे. थैंक यू माँ. अच्छा, अब ये जिस किसी का भी पर्स है उसे वापस दे और जल्दी से घर आ. हाँ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? ओके माँ. ये क्या स्टूपिड काम करने वाला था मैं? किसी और का पर्स माँ को गिफ्ट करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया ही कहाँ से? अच्छा वो कि माँ ने मुझे बोलने से ही रोक दिया, वरना अगर मैं ये पर्स माँ को दे देता तो तुम मुझे आज इतनी डांट पड़ती कि मेरा कान तो लाल ही हो जाता. बच गया. खैर, अब मुझे इस पर्स के ओनर को ढूंढ कर उसे ये पर्स वापस कर देना चाहिए. लॉस्ट प्रॉपर्टी, ये किसका पर्स है? मिस हैप्पी गो लकी, अगर तुम्हें डांस करने का इतना ही शौक है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो. सो स्वीट. जे तो इग्नोर भी कितने स्टाइल में करता है, पर मैं इग्नोर होने वाली लड़की थोड़ी हूँ. अनन्या, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है. जरूरी बात? क्या जरूरी बात मॉम? अनन्या, सच्चाई ये है कि वो दीवार सीमेंट से बनी है. मेरे जादू की वजह से अब देवकी जी कभी भी नहीं बोल पाएगी कि देवू ही नकाबपोश है. दीवार तो सीमेंट से ही बनी होती है मॉम, इसमें जरूरी बात क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दरअसल जिसे तुम लोहे का गेट समझ रही हो, लोहे का क्या? ओ, ये हो क्या रहा है? मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है. अब मॉम, मैं आपकी बात ना बाद में सुनूंगी, अभी मुझे नकाबपोश से मिलना है तो. अरे मैं तुम्हें वही तो बताना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि कुल्फी दूध और मावे से बनती है. अब मैं आराम से उस बुरी शक्ति की खोज में जा सकता. मॉम, अरे अनन्या रुको, मेरी बात तो सुनो. अरे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि देवू ही नकाबपोश है. निकल गया. अरे निकल गया अनन्या. ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा. एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका वर्जन? कहीं पे देखा किसी के पास? ओके, लॉस्ट प्रॉपर्टी. विवान, देवू. विवान, देवू, तुम्हें कोई सुराग मिला क्या? नहीं मैम. चलो उस तरफ देखते हैं. हाँ. आजा. लॉस्ट प्रॉपर्टी, किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी, किसका है ये पर्स?
लॉस्ट प्रॉपर्टी। राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। किसका पर्स है? एक्सक्यूज मी ब्रो, प्लीज मेरे रास्ता ब्लॉक मत करो। मैं किसी का ब्रो नहीं हूं। आई एम श्योर ये पर्स किसी लेडी का है, तो फिर आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें कहीं भी जाने की और चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लॉस्ट प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूं। ही पर्स तो लेडीज पर्स है, और आप तो मुझे किसी भी एंगल से लेडीज नहीं लगते। करेक्ट। अब लेकिन मेरे घर में तो लेडीज होगी ना, आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मॉम होगी, तुम्हारी सिस्टर होगी, राइट? पॉइंट। क्विक क्वेश्चन, इस पर्स के लॉक पे जो बटन लगा है वो किससे बना है, मैग्नेटिक क्लास या फिर जिपर लॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे तुम पर्स बोल रहे हो वो एक्चुअली में क्लच है, एंड सेकंड ऑफ ऑल उसमें ना ही मैग्नेटिक क्लास लगा है और ना ही जिपर लॉक, उसमें किसिंग लॉक लगा है। ओ हाँ, इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था इस पर्स, आई मीन इस क्लच के बारे में। ये लो। थैंक्स। Are you okay? कोई प्रॉब्लम? अरे रुको, स्ट्रेंज अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है बालवीर। पद्मिनी जी के पास कब से जादू शक्ति आ गई? बालवीर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुरी शक्ति ने इन्हें अपने वश में कर लिया हो? बालवीर तुम वहां जाके देखो, इन्हें मैं देखती हूँ। हाँ माँ। अम्मा अम्मा आप ये तुम क्या करता? बात कर रही हूँ पापा से। अरे विवान, ये तुम ये गाड़ियों को दिवाली के पटाखों की तरह क्यों उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, मैं गाड़ियों को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो उन्हें खिंचका रहा था। लेकिन क्यों? अयो पापा कौन?
गणपति बापा गणपति बापा अयो अम्मा ये तुम क्या करता ये जगह तो पूरा खाली वो क्या है ना माँ ने कहा था कि यहाँ कुछ ही देर में एक टेम्पो आने वाला है तो उसी के पार्किंग के लिए जगह कर रहा था ओह अपने मैजिक से पूरी दुनिया की हेल्प कर सकता हूँ तो माँ की हेल्प नहीं कर सकता क्या राइट राइट गुड गाड़ियों का उड़ने का कारण तो पता चल गया लेकिन पद्मिनी जी क्या कर रही थी मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए जगह खाली है तो क्या हुआ दिल में तो बापा है दिल की नजरों से देखो तो बापा नजर आएंगे वो देखो हर जगह बापा है गणपति बापा मोरिया ऐसे क्या देख रही हो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है क्या है ना इस बार हमने पापा की सिर्फ डेढ़ दिन पूजा की और विसर्जन कर दिया इसलिए पापा को पूछने आई हूँ हे पापा हम सबको क्या हो गया है तू तो ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है ना चलो चलो हाथ जोड़ो जोड़ो आंखें बंद बंद अब पापा को बोलो हे पापा हमारे सारे दुख हार ले अम्मा तुम्हें पहले कभी क्वारंटाइन सेंटर में देखा नहीं कौन है तू अब अम्मा अम्मा आम ना एर ना कुलम इडली डोसा सेंटर चलाती एंडा वंडा वंडा सेंटर खोदा पहाड़ और चूहा तक नहीं निकला यानी पद्मिनी जी किसी बुरी ऊर्जा के वश में नहीं है देवू भैया आप कौन सा मैजिक कर रहे थे वो विवान वो मैंने वहाँ पे दो तीन बाइक देखी थी वो ऐसे ही रास्ते पे रखी थी तो मैं भी उन्हें यहाँ पे पार्किंग में ला रहा नहीं नहीं भैया इतनी जगह काफी है एक काम करते हैं मैं आपको मैजिक की दो घंटे की हार्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ चलिए यस विवान यू आर राइट इट्स वेरी नेसेसरी भैया आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही सक्सेसफुल रही गुड वर्क राइट विवान मैं भी बहुत थक गया मुझे भी चुटकी बजाते बजाते हाथ बहुत दुख रहे हैं वैसे भैया आज जो हमने मैजिक सीखा है ना कल हम उसी का रिवीजन करेंगे क्योंकि नया नॉलेज दिमाग में तब तक फिट नहीं होता जब तक हम उसका रिवीजन ना करें यस यू आर राइट विवान लेकिन अभी मुझे क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा काम है तो तुम घर पे जाओ ओके ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दो घंटे बीतने के लिए दो मिनट भी नहीं लगे डॉक्टर जो पेशेंट को देता है उसे दवाई कहते मॉम कब से आप इम्पोर्टेंट बातों के नाम पे मुझे यही ऑब्वियस बातें बताई जा रही है कि जो दिन के टाइम पे आसमान में निकलता है वो सूरज होता है और जो म्याओ म्याओ करती है वो बिल्ली होती है लाइक सीरियसली मॉम अरे नन्हे मैं क्या करूं मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है दरअसल मैं जो बात तुम्हें बोलना चाहती हूं ना वो मेरे लंग पर आ ही नहीं रही है टंग हाँ वही वही तो लिख के दे दीजिए ना मॉम वाओ क्या आइडिया है लिख कर देती हूँ जब माँ ने खोजी तरंगे भेजी थी तब तो उससे इस महाविद्यालय की ओर इशारा किया था और इस कमरे से कुछ आवाज भी आई थी जो इस कमरे की ठीक से जांच करनी चाहिए इंपॉर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी एनिमल्स हियर आई कम इस कमरे में है क्या खुफिया रास्ता वो भी प्रधान अध्यापक के कक्ष के अंदर लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है